अत्रिमुनि आश्रम और अमृत गंगा में अगर आपको परिक्रमा माता रानी की करनी है, अमृत गंगा जो आपको सामने दिखाई दे रही है, उसके लिए इस प्रकार से आपको चढ़ना होगा। और यहाँ पे एक आगे देख पा रहे होंगे आप, बढ़ रहे हैं यहाँ से अब और झरने के पास से गुजरेंगे। पूरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप बने रहें। ये देखिए आगे बढ़ते बड़े संभाल के चलना पड़ रहा है क्योंकि ये देखिए नीचे पूरा चट्टान है। नमस्कार, जय जय महाराज माँ ज्वाला देवी पेज देवलधार और उत्तराखंड दर्शन में मैं प्रवीण ढिमरी। और अभी आप देख पा रहे हो मुझे एक ऐसे स्थान पर जो कि आपको दिख रहा होगा, एक नदी है और उसके बगल पे मैं खड़ा हूँ। तो ये जो स्थान है ये है अत्रि अनसुईया धाम और अत्रि मुनि आश्रम। अमृत गंगा के तट पर मैं अभी हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ अत्रि मुनि आश्रम, जो कि श्री अनसुईया धाम से माँ अनसुईया जो सती शिरोमणि माता अनसुईया हैं धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी मेरे साथ मेरी टीम भी है, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन भाई अत्रि मुनि आश्रम के बारे में तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि एक पूरा एक मात्र स्थान है यहाँ पर जो कि जहाँ पर कहते हैं कि माँ गंगा की पूरी परिक्रमा होती है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ उस स्पॉट पे। और अभी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मतलब सुंदर एक झरना दिखाई देता है। ये देखिए सामने इसका व्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आप बने रहें ब्लॉग में। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो फॉलो अवश्य करें। आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये जो झरना है काफ़ी ऊंचाई से गिरता हुआ और ये नीचे यहाँ तक लगभग 200 मीटर इसकी हाइट होगी। तो देखिए काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये झरना। और देखिए आप नीचे ये अमृत गंगा जो कि यहाँ से बहते हुए गंगा नदी के साथ मिल जाती हैं, तो अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत प्रकृति का। देखिए प्रकृति का किस प्रकार का बनाया हुआ यह झरना है। ये देखिए यहाँ से ये पूरी ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रही है चट्टान, यहाँ से ऊपर जाते हुए और यहाँ पे क्या कहते हैं अत्रि मुनि आश्रम है। अत्रि जो अनसुईया सती शिरोमणि माता अनसुईया के पति हैं अत्रि मुनि जी महाराज, उनका यहाँ पे आश्रम है गुफा में। और यहाँ से आगे ये देखिए कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। तो पूरे गंगा माता की परिक्रमा एकमात्र स्थान जो विश्व में है वो यहीं पर स्थित है। और मैं आपको व्यू पूरा दिखाऊंगा आगे से भी। ये देखिए आप अत्रि मुनि आश्रम और अमृत गंगा में अगर आपको परिक्रमा माता रानी की करनी है, अमृत गंगा जो आपको सामने दिखाई दे रही है, उसके लिए इस प्रकार से आपको चढ़ना होगा। और यहाँ पे एक आगे देख पा रहे होंगे आप एक गुफा है, ये गुफा से होकर के आगे बढ़ना है विकास चाल तो भी आगे बढ़ना है। और सभी को इस झुक करके यहाँ से चलना होता है क्योंकि अगर थोड़ा भी, और देखिए बहुत डेंजर यह जगह है, बहुत डेंजर, लेकिन आसानी से माता रानी की कृपा देखिए कि आसानी से सभी पार कर जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सी भी डिसबैलेंस होगा तो यहाँ से बहुत दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए आसानी से पार करते हुए सभी लोग, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों गुफा को पार करते हुए हम तो आगे बढ़ चुके हैं लेकिन हमारे कई साथी अभी आ रहे हैं देखिए। और ये इस प्रकार से डेंजर है यहाँ पे बहुत, ये देखिए। और यहाँ से ये आगे अभी आ रहे हैं और क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं और उधर से आते समय कैमरा में लगा नहीं पाया, लेकिन देखिए अभी वो आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही आने में, इसलिए वो जो हमारे दोस्त हैं वो पकड़ रहे हैं, उनको साथ हाथ दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए हम पहुँच चुके हैं अभी उस रूट पर जहाँ से कि हमें माँ गंगा की परिक्रमा करनी है। और ये देखिए इस प्रकार से आगे आ रहे हैं, ये देखिए आगे आ चुके हैं, ये लेट करके यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और पहुँच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। और भी होना अभी और भी साथी हमारे आने वाले हैं आगे। तो देखिए कि भले ही राह कितनी भी कठिन हो लेकिन माता रानी के दरबार में जो भी इस जगह पर आता है वो बिना इस जगह पर पहुँचे उसकी यात्रा को सफल नहीं माना जा सकता है। तो ये स्थान, और एक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई यहाँ से कोई घटना हुई हो, माता रानी की यही कृपा है। यहाँ पर बहुत अद्भुत क्षेत्र है ये, मतलब जिसका हम जितना भी व्याख्यान करें अपने शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है,
अभी हम आगे बढ़ते हैं और झरने के पास से आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। और ये देखिए बहुत मुश्किल से यहाँ आगे बढ़ पा रहे हैं और बैग लेकर के आए हैं दोस्त। और अभी अभी कुछ लोग और आने वाले हैं वहाँ से। बहुत ही डिफ़िकल्ट रूट है जो देखिए किस प्रकार से लेट करके आ रहे हैं अभी, ये देखिए। और यहाँ से अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो सीधे नीचे। से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच चुके हैं एक गुफा पर, यहाँ पर बाबा रहते हैं कोई। और ये देखिए जो दत्तात्रेय प्रभु हैं उनके पिता अत्रि मुनि जी, उनका ये स्थान है। और ये एक इस चट्टान पर बना हुआ है झरने के पास में। और बहुत ही भले ही दिखने के लिए बहुत डेंजर यह जगह है, लेकिन आने के बाद यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से अब, और झरने के पास से गुजरेंगे। पूरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप बने रहें। ये देखिए आगे बढ़ते बड़े संभाल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए नीचे पूरा चट्टान है और पानी आ रहा है। लेकिन ये देखिए पूरी परिक्रमा यहाँ से होकर के जाती है, ये पूरी परिक्रमा होकर के यहाँ से नीचे होकर आते हैं और इधर। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो एकमात्र स्थान है पूरे विश्व में जहाँ पर माँ गंगा की पूरी परिक्रमा, झरने की पूरी परिक्रमा, माँ गंगा की पूरी परिक्रमा होती है। और कहते हैं कि ये जल किसी पर गिरता है वो सौभाग्य से धनी हो जाता है। तो फाइनली जो झरना है उसे हम पार हो चुके हैं और यहाँ से हम आगे से होकर यहाँ आए थे और पार हो चुके हैं। पूरी परिक्रमा हम कर चुके हैं माता रानी की, गंगा माता की। और अब ये देखिए पूरी चट्टान बहुत ऊंची है ये, और ये पूरा बहुत रमणीय स्थान है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहें उत्तराखंड दर्शन माँ ज्वाला देवी पेज के साथ और प्रवीण डिबरी के साथ। जय जय हनुमान महाराज।